वेलकम टू द चैनल। तो आज का ये है वीकेंड व्लॉग और आज के वीकेंड में कुछ खास प्लान नहीं है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि कल सैटरडे को ना हमने एक प्लान बनाया था। हम गए थे देखने मूवी और जो फंसे हैं ना, जो हमारे साथ हुआ है मैं आपको फटाफट बताती हूँ। तो हमने मूवी बुक करी थी भूलभुलैया 2, 3:40 की हमारी मूवी थी। 2 बजे निकले और आप यकीन नहीं करोगे 3:30 बज चुके थे, 2 से 3:30, 1.5 घंटे। और हम लोग अभी भी, जब मैं मैप में देख रही हूँ तो मॉल से हम लोग अभी भी 11 किलोमीटर दूर थे। तो यानी कि इतने ज्यादा टाइम में हमने मैक्स टू मैक्स 4-4.5 किलोमीटर ही ट्रेवल किया होगा। इतना ज्यादा ट्रैफिक था कल, जब 3:30 बज गए मैं और अंगद समझ गए कि अब तो इम्पॉसिबल है कि हम पहुंचेंगे। मैप अभी भी बोल रहा है ट्रैफिक को देखने से कि आपको अभी और लगने वाले हैं 45 मिनट। 4:35 को हम लोग मॉल के पास पहुंचे। मॉल के पास जाते हैं तो देखते हैं मॉल का सिक्योरिटी पर्सन बाहर खड़ा है और ऐसे ऐसे सबको हाथ दिखा रहा है। ये क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है पार्किंग मॉल की पूरी फुल हो गई है, एक भी गाड़ी अंदर नहीं लेंगे। अब पार्किंग तो फुल है पर फिनिक्स के आगे जो गए हैं उनको पता है कहीं पार्किंग नहीं है स्पेस कि आप गाड़ी पार्क करो रोड पे। तो वो पार्किंग भी करने नहीं दे रहा था। तो अंकित ने कहा लो अब तो पार्किंग ही नहीं देगा तो गाड़ी कहाँ पार्क करेंगे, मूवी को भूल जाओ, छोड़ो घर चलते हैं। पूरा ही मूड ऑफ हो गया। हम थोड़ा आगे निकले, फिर मैंने कहा काम करते हैं ना, एक और मॉल है आगे जहां मैं आजकल बहुत जाती हूँ, शांति निकेतन। मैंने कहा चलो वहीं चल लेते हैं और जाके वहां पे ना कुछ नहीं चाय वाय पी के घर आएंगे, क्या करेंगे अभी इतना ट्रैवल करके, घर कौन जाएगा। और पता नहीं क्या मेरे मूड में आया, मैंने कहा चलो देखते हैं क्या पता कोई और मूवी टिकट मिल जाए हमें शांति निकेतन का, पर चांस बहुत कम था, सब कुछ हाउसफुल जा रहा था। फिर मुझे 6:35 या 6:40 के आसपास का टिकट मिला, 2 अलग अलग सीट्स मिले, पर हमने डिसाइड किया कि सेम रो में सीट्स है ना, ले लेते हैं बाद में कुछ एडजस्टमेंट कर लेंगे। फिर हमने टिकट ले लिया और फिर हमने फाइनली मूवी देखी भूलभुलैया 2 को। मेरा वन ऑफ द फेवरेट बेडशीट, ये मैंने आपको पिछले बार बेडशीट हॉल वीडियो में दिखाया था, उस वीडियो को आए हुए 1 साल हो गए, ठीक है। और मैंने इस बेडशीट को कितनी बार बिछाया है मुझे याद भी नहीं, पर आप इसका ना देख लीजिए कि ना तो कोई रंग गया है धोने के बाद, मतलब आपको लगेगा बिल्कुल कि मैंने अभी अभी नया नया खरीदा है, इतना सुंदर कलर है इसका। आपको मैं यहाँ पे ना पहले कुछ ज्वेलरीज और हैंडबैग्स के कलेक्शंस दिखाती हूँ जो मेरे पास आए हैं। बहुत ही ट्रेंडी है, रिजनेबल रेट पे मिल रहे हैं। तो अगर आपको किसी को गिफ्ट देना हो या आपको ही अच्छा लगता हो रोज बरोज में कुछ नया पहनना, आप कॉलेज जाते हो ऑफिस जाते हो तो बड़ा ही अच्छा रहेगा। कुछ ब्लॉग पहले ना मैंने एक नेक पीस पहना था तो मुझे कमेंट भी आया था सोना कहाँ से लिया, मैंने कहा था कुछ दिन रुक जाइए मैं थोड़ा टेस्ट कर रही हूँ, पहन के देख रही हूँ, अच्छा लगेगा तो आपको बताऊंगी। तो बड़ा ही अच्छा है और प्राइस अफोर्डेबल है तो आप आराम से 1 या 2-3 ले सकते हो। तो दिखाती हूँ मैं कौन कौन सा है, अगर आपको लेना हो तो आपको पता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहेगा, वहां से आप खुद के लिए चेकआउट कर सकते हैं। कूपन कोड भी है, वो भी रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेकआउट करते वक्त उसको जरूर अप्लाई कर लीजिएगा तो आपका फायदा हो जाएगा। इस ब्रांड का नाम है थेस्टो, इनका इंस्टाग्राम हैंडल और इनके वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो यहाँ से मैंने कुछ ज्वेलरीज मंगाई है, कुछ एक्सेसरीज मंगाई है और साथ में हैंडबैग भी मंगाया है। तो इनके पास में बहुत सारे कलेक्शंस हैं जो कि ट्रेंडी है, स्टाइलिश है, सब पे सूट करेंगे, पर पॉकेट फ्रेंडली है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, तो एक साथ में आप 3-4 चीजें भी शॉप कर सकती हैं। तो मैंने इसीलिए यहाँ से कुछ वेराइटीज ऑफ इयररिंग्स मंगवा लिए हैं, क्वालिटी भी मुझे बहुत अच्छी लगी और पॉकेट फ्रेंडली तो है ही। आजकल इविल आई जो है वो फैशन में है तो मैंने यहाँ से मंगाया एक नेक पीस, 3-लेयर नेक पीस है ये, तो इसमें छोटे छोटे इविल आई भी हैं और साथ में यहाँ पे पेंडेंट भी मिल जाता है। अगेन ये मुझे बहुत ही यूनिक सा लगा और पहनने के बाद भी अच्छा लग रहा था, जैसा मैंने क्वालिटी देखी थी वेबसाइट में बिल्कुल वैसा ही आया है ये। तो आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा। ये बहुत ही यूनिक सा स्टर्ट्स मैंने मंगवाया है, इविल आई का ही है अगेन ये भी, और मुझे बहुत टाइम से ऐसा कुछ लेना था। साथ में एक मैंने मंगाया है डेली वेयर के लिए ब्रेसलेट, ये भी अगेन इविल आई का ही है, तो आप समझ ही सकते हो मुझे कितना ज़्यादा पसंद है ये। उसके अलावा एक्सेसरीज में आपको बहुत कुछ मिल जाता है, स्क्रंचीज भी है, क्लचर्स वगैरह भी है।
हैंडबैग से कलेक्शन मुझे यहाँ के बहुत अच्छे लगे, बहुत ही यूनिक लगे सारे। तो देखिए ये मैंने मंगवाया है, ऐसा मैंने पहले कहीं नहीं देखा था। इसका जो ऊपर चेन है ना, वो देखिए कितना इंटरेस्टिंग और इसको कितना अच्छा सा एक लुक देता है। फरी है पूरा ये, बहुत ही अच्छा लगेगा जब आप इसे कैरी करोगे ना, बहुत ही यूनिक लगेगा। और इसका जो मैकेनिज्म है ओपन करने का, वो भी बड़ा डिफरेंट है। कोई जिप नहीं, कोई बटन नहीं, पुश एंड पुल है। पुश करोगे आप एक बार तो बंद हो जाएगा, पुल करोगे तो खुल जाएगा। और अंदर स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मोबाइल फ़ोन, वॉलेट्स, घर की चाबियाँ, ये सब रख सकते हो आप। दूसरा मैंने ये वाला मंगवाया हैंडबैग, मुझे बहुत ही क्यूट लगा, शेप भी बहुत ही यूनिक लगा इसका। और इसमें एक बेल्ट भी दिया है एक्सटेंशन के लिए, अगर आपको बड़ा करना हो तो। अदरवाइज ये मुझे बहुत ही अच्छा सा लगा, आपको कैसा लगा मुझे बताइए। तो बेसिकली हैंडबैग के कलेक्शन के पास बहुत सारे, आप देख के कन्फ्यूज हो जाओगे। एक बार जरूर से जरूर इनका वेबसाइट या इंस्टाग्राम पे चेक कर लीजिएगा। आज ये भी थोड़ा काम करेगा अंगद, जो पौधे है ना अपना वर्टिकल वाले, इसमें आप देख रहे हो ना बहुत सूख गए हैं। इधर वाले ना सारे बहुत हेल्थी है, आप देखोगे ना इधर वाले, ये क्यों? क्योंकि इधर से ना तो बहुत धूप मिलती है इनको और ना ज्यादा पानी का छींटा पड़ता है। ये जो आप दाग देख रहे हो ना, ऐसा डिशवॉशर में लग जाता है कई बार। क्या होता है ना, बर्तन अंदर डाल रहे हैं तो तेल का दाग लगता है, तो ऐसा कई बार मेरे लग गया है। तो पहले मैं परेशान हो गई थी कि ये तेल का दाग जाएगा कैसे, क्योंकि ये किसी चीज से नहीं जाता है। लेकिन बाद में मैंने डिस्कवर किया एक तरीका, तो आप भी यूज कर सकते हो। थोड़ा सा डालेंगे इसमें बेकिंग सोडा, थोड़ा सा विनेगर। यहाँ पे दाग था ना, अब देखिए ये कितना लाइट हो गया है, जबकि मैंने अभी इसको थोड़ा सा ही किया है। अगर आप इसको मान लीजिए दाग ज्यादा है और रोज आप करते हो ना, दो तीन दिन में ये पूरा गायब हो जाएगा। डिशवॉशर तो पूरा हमारा साफ हो गया, ये वाला पोर्शन है ना इसमें पानी के बहुत धब्बे पड़ जाते हैं, ये भी अच्छे से क्लीन हो गया। अंगद ने बाल ने पूरा ऑयलिंग कर लिया है, जा रहा है शार लेने के लिए। पूरा चुपोड़ लिया है अंगद तुमने तेल, जितना था बॉटल में सब डाल लिए क्या? अच्छा आज मेरे लिए एक स्पेशल डे है, वो बताऊ मैं सबको? बहुत ही ज्यादा स्पेशल डे है, बहुत प्राउड फीलिंग वाला है। अच्छा हाँ, मतलब 1 लाख सब्सक्राइबर हो रहे वो तो है ही है, बट ये कुछ अलग टॉपिक है। थोड़ा सा सरसों का तेल, जीरा, हल्दी, एक सूखी लाल मिर्च, ग्रीन चिली, प्याज। तो मैं बना रही हूँ सिंपल सा पालक का जो होता है ना स्टर फ्राई पालक, सारे पालक इसमें डाल देंगे। चलिए ना बस ढक करके पकाना है ताकि पालक गल जाए। और गर्मियों में लंच और डिनर तो हमारे यहाँ अधूरा होता है आम के बिना। जब तक मैं अपना खाना बनाऊंगी, अंगद आ चुके हैं अपना ड्यूटी पूरा करने। जो है अगर ये छुट्टी पे हैं या वीकेंड है या कम काम है, तो वो है सैलेड बनाना। कचुम्बर बनाने का काम अंगद का रहता है। साग बंगर के रेडी हो गया है, देखिए क्वांटिटी कितनी कम हो गई है। पर इसको ना मैंने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया था, आधा साग यहाँ डाला और आधा से मैंने दाल बनाया। इतनी गर्मी है ना कि जैसे ही खाना बनाना हुआ, सर्व करने के लिए भी बर्दाश्त नहीं हुआ, फैन ऑन कर लिया। ये रहा आज का लंच, बहुत ही सिंपल, टेस्टी और हेल्दी है। कैसा है? Awesome. इसमें ना खाना बनते ही इसको आपको वॉश करना रहता है। खाना इसमें ज्यादा देर तक छोड़िएगा नहीं कास्ट आयरन में, मतलब आधा घंटा चलेगा पर उससे ज्यादा नहीं। पर अगर आपने नींबू डाला है, टमाटर डाला है, तब तो मैं बोलूंगी कि 15-20 मिनट में ही किसी सर्विंग बोल में डाल दीजिए। उसके बाद में आपको इसको वॉश करना है, वॉश करते ही इसको ऑयलिंग करके ही आपको रखनी है। ये किसका चप्पल है पता नहीं, हमारा तो नहीं है, घर के बाहर रखा हुआ है। आज मैं और अंगद दोनों ने ब्लैक ब्लैक पहना हुआ है, तो मैंने कहा था ना छोटा सा काम है उसके लिए बाहर जाना है। और कल जो एक्सपीरियंस हुआ ना ट्रैफिक का, उसके बाद तो मुझे बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था जाने का। मैंने एक पल के लिए अंगद को बोल भी दिया छोड़ो नहीं जाते हैं, वीकेंड में बहुत भीड़ होगी, पर काम थोड़ा सा था इम्पोर्टेंट। क्या काम है वो आपको आगे आने वाले व्लॉग में मैं जरूर बता दूंगी कि आज हम लोग किस चीज के लिए गए थे। यहाँ पे है अंगद जी, देखिए ब्लैक ब्लैक, कितनी कड़कती कड़कती धूप है देखिए। और अभी ना ऐसा नहीं है दोपहर है, ओहो 4:45 हो रहे हैं एक्चुअली। अभी जो मैंने ये मास्क पहना है ना, ये मैंने कोरोना वायरस की वजह से नहीं पहना, ये मैंने धूप से प्रोटेक्शन के लिए पहना है। तो ये बहुत ही काम में आ जाता है, क्योंकि लेफ्ट से बहुत धूप आ रही है। सनस्क्रीन मैंने नहीं लगाया, जो कि लगाना चाहिए वैसे, पर वो मैंने लगाया नहीं है। पर ये मास्क से काफी प्रोटेक्शन मिल जाता है, एटलीस्ट इतने पोर्शन में।
और ऊपर का तो फिर ऐसा ना कलर चेंज लगेगा नहीं मास्क निकालने के बाद में इतना एनीवेज छोड़िए, मुझे आपसे बोलना था, याद है अंगद कह रहा था कि कुछ एक अच्छी सी चीज है जो बतानी है, शेयर करनी है आपके साथ में, मेरे करियर के लिए कुछ स्पेशल है, तो क्या है चलिए वो बताती हूँ वरना भूल जाऊंगी। तो वैसे देखिए छोटी सी चीज है, पर जो लोग ने खुद से कुछ बिजनेस किया हो या कुछ फ्रीलांसिंग में काम किया हो उनके लिए बड़ी बात होगी, वो ये है कि फाइनली मुझे मेरे लिए मेरे नाम पे मेरे अकाउंट से क्रेडिट कार्ड मिल गया है, ये अभी ये क्यों बड़ी बात है मैं बताती हूँ आपको। तो जो लोग नौकरी करते हैं ना उनको तो बड़ी इजीली से क्रेडिट कार्ड मिल जाता है, इनफैक्ट फोन आते रहते हैं, ये लोग तो तंग हो जाता है, नहीं चाहिए मैडम नहीं चाहिए, रोज एक फोन आता है सर ले लो ना सर ले लो ना सर अपग्रेड कर लो ना सर। पर जो लोग बिजनेस कर रहे होते हैं फ्रीलांसिंग कर रहे होते हैं या कुछ भी ऐसा कर रहे हैं जिसमें नौकरी नहीं है ना उनको इतनी इजीली से नहीं मिलता है, एक मिनट में यहाँ धूप को, हाँ उनको इतनी इजीली से नहीं मिलता है, ऑफकोर्स बहुत ही टाइम लगता है क्योंकि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो बेसिकली स्टेबल इनकम नहीं रहती है, राइट, यू आर नॉट अश्योर्ड कि अगले महीने कितने आने वाला है, तो क्रेडिट कार्ड कंपनीज उतना रिस्क लेती नहीं है उस केस में। तो बहुत टाइम सबको पता है कि मैं जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, यूट्यूब की मैं बात नहीं कर रही हूँ उससे पहले से ही, तो मुझे था कि मुझे लेना है अपने नाम पे, जबकि क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करने के मैं और हम दोनों इनफैक्ट ज्यादा फेवर में नहीं है, पर होता है ना आपके नाम पे आप पे ब्रांड ट्रस्ट करके आपको देती है, वो मुझे बहुत ही मन था कि हो मेरे साथ। मैंने सोचा कि सबको जो शेयर किया मैंने मास्क पे शेयर किया, पर आपने मेरे चेहरे की खुशी नहीं देखी ना, तो मैं मास्क उतार के भी मैंने सोचा कि अगर बात कर लेती हूँ ताकि खुशी तो पता चले, मास्क से आप सन से तो बच सकते हैं पर आपकी चेहरे की खुशी भी ढक जाती है, तो हाँ तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और अंगद को मैंने कहा मैं ये जरूर बताऊंगी सबको जरूर शेयर करूंगी, तो बहुत ही अच्छा लगा। ये जो छोटे छोटे जो चीजें होती है ना लाइफ में वो आपको बहुत खुशियां देंगी अगर आपने खुद से उस चीज को अचीव किया है, तो जैसे कि पहली जॉब जब लगती है या मन चाहे कंपनी में जब किसी की नौकरी लगती है तो जो खुशी मिलती है, या पहला सैलरी हाइक होता है, प्रमोशन मिलता है, वैसे ही सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के लिए जब पहला कुछ काम मिलता है वो अच्छा लगता है, उससे और काम मिलता है, लोग आपके काम की प्रशंसा करते हैं, आप आगे बढ़ते हो, तो बहुत खुशी मिलती है। फिर छोटी छोटी चीजों से, जैसे आपको याद होगा दिवाली के टाइम पे मैंने इयररिंग लिया था ना, ये छोटा वाला जो स्टड लिया था मैंने, तो मैंने शेयर किया था आपके साथ में कि मुझे बहुत खुशी हो रही है ये खरीदते वक्त क्योंकि ये मैंने खुद से मेहनत करके खरीदा है, तो वो खुशी बहुत ही ज्यादा अलग होती है। और वैसे ही खुशी मुझे मिलती है जब YouTube में आप लोग मेरे काम को अप्रिशिएट करते हो, लोग मुझे सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करके बताते हैं कि उनको अच्छा लगता है मेरा व्लॉग देखना, उन्हें खुशी मिलती है, लोग जुड़ते हैं ना तो इतना अच्छा लगता है, क्योंकि YouTube भी ना छोटे से बेबी की तरह होता है हर एक यूट्यूबर के लिए, उसे छोटे से वो स्टार्ट करता है, फिर फैमिली ग्रो करती है, रोज की मेहनत लगती है, और तब जब लोग जुड़ते हैं फैमिली बड़ी होती है तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो मेरे लिए तो सोने पे सुहागा है कि एक माइलस्टोन भी पूरा हो रहा है 1,00,000 सब्सक्राइबर का, और पहले उसके पहले मुझे ये वाला कार्ड भी मिल गया, तो अच्छा लगता है काफी ज्यादा। पर ये मत सोचिएगा जो लोग नए नए यूट्यूब स्टार्ट करने वाले हैं कि यूट्यूब से जो पैसे आते हैं उसकी वजह से मुझे ये कार्ड मिला है, नहीं, उसमें स्टेबल इनकम इतना नहीं रहता है। मैं फिर से आपको बोलना चाहूंगी क्योंकि मैं सिर्फ यूट्यूब नहीं करती, आपको पता है मेरा वास्तु कंसल्टेशन है, मैं डिजाइन करती हूँ, उससे भी मुझे अर्निंग आती है, सब कुछ मिलजुल करके। तो जो नए नए यूट्यूबर है नया नया स्टार्ट किया उनको लगता है कि अरे इतना ज्यादा पैसे आते हैं मुझे क्यों नहीं आ रहे, तो ऐसा नहीं है, यूट्यूब से पैसे जो है उतने नहीं आते हैं, वो धीरे धीरे आप मेहनत करोगे तभी आएंगे, पर हाँ मेहनत करते रहिए आएंगे जरूर। और इनकम सोर्स जैसा मैं बोलती हूँ ज्यादा रखिए, 2-3 रखिए, तो हर तरह से फिर आप फाइनेंशियली स्टेबल हो जाओगे। ये है ढोकला, साथ में हमने लिया है मलाई गुल्ला, ये बहुत टेस्टी होता है, ये लाल पेड़ा था, क्या अलग है इसमें, ये मेरा फेवरेट शॉप है, मैं कई बार यहाँ पे आई हूँ, शूट भी किया आपने देखा होगा, जब बारिश में फूटी थी ना यहीं पे रुकी हुई थी। क्यों करती हूँ बोलो ना कैमरा ऑन है, कोई बात नहीं मेरे को क्या है, आज मुझे जब डांट पड़ी मैंने कैमरा ऑन कर लिया, सुन लीजिए आप लोग डांट पड़ती है मुझे, मैं कितने प्यार से डांट रहा हूँ, अब तो बोलोगे ही क्या मतलब है, प्रूफ है कैमरा में बोल रहा, और तो बोलती हो कि दिन भर डांटता ही रहता है, सच में डांटता रहता है इसलिए बोलती रहती हूँ मैं, तो मैंने कहा रुको आज मैं कैमरा ऑन कर लेती हूँ, आपको भी सुनाओ जरा अंगद जी, मैं बताता हूँ उसका रीजन, बताता हूँ, बता दो तुम। अच्छा, योगा वो करती है सिर्फ 2 या 3 आसन, वो बोलती है मेरा योगा हो गया, मैं अपना जो 2-3 करती हूँ ना दोस्तों वो अच्छा वाला करती हूँ, 2-3 योगा आसन में क्या हो जाता है बताइए,
दो तीन करके उठ गए, हो गया खत्म अपना एक्सरसाइज आज का, ऐसे थोड़ी ना होता है। हाँ, जिम जाने वाले ना योगा करने वालों को ऐसे ही ये करते रहते हैं, क्योंकि हम लोग डंबल्स नहीं उठा रहे। नहीं भाई, आपने को भी कोई बॉडी बिल्डिंग नहीं करनी है, पर एटलीस्ट थोड़ा बेसिक फिटनेस के लिए जो भी। मैं अपना क्या करती हूँ मैं बताती हूँ, मैं तो एक तो वॉकिंग पे बहुत बिलीव करती हूँ, तो मैं अपना ब्रिस्क वॉक कर लेती हूँ, वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। गाना सुनिए, अपना चक्कर काट के आइए सोसाइटी का इधर उधर, एक तो वो करती हूँ। सबसे बस लड़की, अरे बहुत ही अच्छा सा रिलायंस का मॉल खुला है, तो मुझे ना थोड़ा बहुत कुछ ना टी शर्ट्स वगैरह देखने, जैसे ये वाला आप देख रहे हो ना, ये आपने मुझे बहुत बार पहने हुए देखा होगा, क्योंकि मुझे ये बहुत कंफर्टेबल लगता है, तो मैं पहन लेती हूँ बार बार ही। तो आज जब मैं ये फिर से पहन रही थी ना, तो अंगद से फिर से एक डांट पड़ी, ये भी एक वजह थी, आज तो आज से ही पड़ गई मुझे, पड़ती रहती है वो, क्या ही बोलना। तो उसने बोला फिर से तुमने ये कपड़े क्यों पहने, अभी जस्ट पहने थे। मैंने कहा मेरे को अच्छे वाले टी शर्ट्स कंफर्टेबल वाले है नहीं, जो थोड़े बहुत वो मैं घर में पहन लेती हूँ, तो घर में पहन के भी मैं खराब कर देती हूँ। तो ये वाला घर में नहीं पहना है अभी तक, तो बाहर जब भी जाती हूँ, होता है ना आपको कुछ होते हैं टी शर्ट वगैरह जो आपको कंफर्टेबल लगते हैं, बार बार पहन लेते हो, तो देखते हैं कुछ ऐसा वाला अच्छा वाला मिल गया तो अपना रिलायंस फ्रेंड्स क्या है कि थोड़ा सस्ता वाला है वहाँ पे मिल जाएगा आपको। यहाँ कुछ भी खुलता है ना तो मजा आता है जाने में, घूमने में एक्सप्लोर करने में मजा आता है, अलग ले आउट अलग सब कुछ रहता है, कलेक्शन जाए पर वही रहेगा। हाँ बस ऐसे ही मजा आ जाता है। मुझे यहाँ पे काफी अच्छे कलेक्शंस मिल गए, तो मैं टी शर्ट्स के लिए आई थी, तो मेनली मैंने सारे टी शर्ट्स लिए हैं, एक मैंने जीन्स लिया है और एक मैंने योगा के लिए भी लिया है जो अंगद ने फोर्स किया, तो वो भी काफी अच्छा मिला, फिटिंग भी अच्छी आई। वही होता है दुकान आई है तो ट्राई करके लीजिए तो ज्यादा अच्छा मिल जाता है। तो यार तो मैं दिखाऊंगी घर पे मैंने ये कलेक्शंस क्या क्या लिया है मैंने। 7:45 हो गए हम लोगों को घर आते आते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम चाय ना पिए। आते देरी मैंने अंगद को बोला चाय तो बनती है, बाहर हमने नहीं पिया तो चाय तो बनती है। ठाट है भाई, ठाट क्या है, ठाट तब होता ना जब बाहर चाय पी के मैं आती, मैं तो घर की चाय पी रही हूँ। पति बना दे रहा है उसका ठाट है ये बोल रहा हूं। तब तो भाई मैंने लंच बनाया तुम्हारा उसका ठाट है, मैं डिनर बनाऊंगी तुम्हारा उसका ठाट है, मैंने मॉर्निंग ब्रेकफास्ट बनाया तुम्हारा उसका ठाट है। देखो हमको एक बहाना चाहिए रहता है, ठीक है हम पूरा क्रेडिट लेते हैं, आप लोग नहीं। एक काम करने का तुम पूरा क्रेडिट लेते हो। हाँ। चाय बनाया तो पूरा दिन का क्रेडिट ले लिया तुमने। हम लोग देखो सैलरी एम्प्लॉइज है। हाँ। हम लोग पूरा क्रेडिट लेने में माहिर है। ओ काम एक करने का गिनवाने का शौक नहीं, वैसा काम नहीं करते। तो फिर काम जितना किया है उतना ही, पर उसको बार बार गिनवाने का श्योर करवाने। और हम जो होते हैं ना फ्रीलांसर या बिजनेस वाले, हम बेचारे ऐसे नहीं होते, हम बहुत काम करते हैं बहुत काम करते हैं, और हम बिल्कुल गिनवाते नहीं है। आप अपने लिए काम करते हो तो यू कांट गो एंड आस्क फॉर एनी रिवॉर्ड फॉर दैट। ये लेकर के आए हैं हम लोग शुगर फ्री सोन पापड़ी, थोड़ा स्वीटनेस कम है बट हाँ अच्छा है। देखिए क्या बन रहा है, इधर में बन रहा है आज पनीर एग रोल। मेरे पास जितने भी स्पैचुलास थे ना वो एग्जैक्टली उतने थे जितने मुझे यूज में आते थे। अब देखिए एक टूटा है, तो रात में यूज करने के लिए मेरे पास ये स्टील वाला ही बचा है जो मुझे इस नॉनस्टिक में यूज करना पड़ेगा। खाना पीना हो गया, काफी लेट हो गया आज, एक्चुअली 11:45 हो गए, क्योंकि लेट आए, लेट चाय पिया, उसके बाद वॉकिंग के लिए हम लोग चले गए, फिर वहां से आए, फिर डिनर किया, इसलिए हल्का फुल्का खाया एग रोल। तो मैंने खाया एक एग रोल, अंगद ने खाया दो, उसमें डाल दिया थोड़ा सा पनीर था, तो काफी अच्छा और अलग हो जाता है, वरना नॉर्मल तो हम लोग एग पराठा सुबह खाते ही है ना, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा सोचा कि अलग हो जाएगा तो अच्छा लगेगा। एनीवेज चलिए इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो यहीं तक रखती हूँ, आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और मेरी वीडियोज को देखते रहिए। बाय बाय।